स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल की कॉस्टिंग कैसे करेंगे। और इस कॉस्टिंग को करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल क्या होता है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मटेरियल इशू फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, यानी जब स्टोर में से कोई मटेरियल इशू होता है प्रोडक्शन हाउस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है उसको डिटरमाइन करना, ये कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल कहलाता है। इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल परचेज, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें एक्चुअल कॉस्ट पता चले कि जो भी मटेरियल आपने परचेज किया है उसका एक्चुअल कॉस्ट। इट इंक्लूड्स, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, एक्साइज ड्यूटी आती है, सेल्स टैक्स आते हैं, कस्टम ड्यूटी आती है, सबको एड ऑन करके फिर टोटल कॉस्ट निकलती है। प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज आर एज फॉलोज, जो कौन कौन से जो मेथड हैं प्राइसिंग के लिए मटेरियल की, वो देखिए। फर्स्ट ए पार्ट करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मींस द प्राइस एट विच द मटेरियल हैज बीन रिसीव्ड इन द स्टोर, कि जो ऐसा प्राइस जिस पर जो हमारे स्टोर में मटेरियल है वो उसका प्राइस क्या है, ठीक है। इट इंक्लूड सम अदर आइटम्स, उसके अंदर थोड़ा और आइटम्स भी एड ऑन करते हैं, लाइक फ्राइट ऑफ ट्रॉय, इंश्योरेंस, ठीक है। आपने इंश्योरेंस कराया उस गुड्स का, उसके लिए भी पेमेंट करते हो तो वो भी उसमें ऐड होगा, ठीक है। उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी दी है, कस्टम ड्यूटी दी है, कोई भाड़ा दिया है, वो सब कुछ उसके अंदर ऐड ऑन होगा। फिर वो सब कुछ ऐड ऑन होकर फिर प्रॉपर उसका कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मेथड फर्स्ट देखिए क्या है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कोई भी मटेरियल जो पहले आया हुआ है वो पहले निकलेगा, मतलब बहुत पहले आया हुआ है वो पहले निकलेगा। लाइक अंडर दिस मेथड द मटेरियल फर्स्ट रिसीव्ड इन द स्टोर, जो पहले रिसीव हुआ है स्टोर के अंदर वो पहले जाएगा। फिफो मेथड फॉलोज द प्रिंसिपल दैट द मटेरियल रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट, जो पहले रिसीव हुआ है वो फर्स्ट इशू होगा। After the first load of material purchase is exhausted, जब पहला लोड एग्जॉस्ट हो जाएगा, the next load is taken for supply, फिर दूसरा लोड उठाएंगे सप्लाई के लिए। द इन्वेंट्री इज प्राइज एट अ लेटेस्ट कॉस्ट, और जो इन्वेंट्री है वो प्राइज होगा जो लेटेस्ट कॉस्ट चल रहा है उसके ऊपर। देखिए, अब मैं एग्जाम्पल वे में समझाती हूँ आपको कैसे, कि जो सामान पहले रिसीव हुआ है, मान लो अपने पास काफ़ी सारे लोड पड़े, एक 2019 में सामान खरीदा हुआ उसका लोड पड़ा है, एक 2020 का, और एक रिसेंटली 2021 का लोड पड़ा हुआ है। तो पहले, सबसे पहले कौन सा माल या कौन सा स्टॉक आया हुआ है, कौन सा रिसीव हुआ है, 2019 वाला। तो सबसे पहले ये वाला सामान, इसमें है 400 यूनिट्स हैं, तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर हमने कोई भी माल कंजप्शन हाउस के लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए इशू करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो 500 यूनिट्स आपको क्या मंगाई है प्रोडक्शन हाउस ने, तो 400 यूनिट्स तो आप यहाँ से निकाल दोगे। और 2020 में मान लो 800 यूनिट्स थी, 800 यूनिट्स का लोड था, तो 400 यूनिट्स तो आप 2019 वाली कर दोगे जितनी प्राइस की वो थी वो इशू करोगे, और 100 यूनिट्स यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। तो कितनी, 2020 वाले से निकाल लोगे 2000, ठीक है। तो 500 यूनिट्स यहाँ से भेज लोगे और इसमें ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमने भेज दी, और इधर 700 का बैलेंस बच जाएगा आपके पास, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में जो माल रिसीव हुआ है उसको पहले पहले निकालना है, ये बोल रखा है। देखो कैसे, इन दिस मैथड द मटीरियल परचेज इन द लास्ट आर इशूड फर्स्ट ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर निकालना है। फॉर प्राइसिंग मटीरियल इशू द प्राइस ऑफ द लास्ट परचेज इज यूज अनलेस इट इज द फुल्ली एग्जॉस्टेड, व्हेन द लास्ट लोड ऑफ द एग्जॉस्टेड द मटीरियल परचेज जस्ट बिफोर द इशू। यानी कि देखिए, 2018 का माल पड़ा है, 2019 का पड़ा है, 2020 का है, और 2021 में भी खरीदा हुआ है, ठीक है। इसमें पड़ी है 500 यूनिट्स, इसमें है 600, इसमें है 200, और इसकी है 300 यूनिट्स नई परचेज करी है, ठीक है। इतना माल है अपने पास, और अगर लीफो मेथड लगाना है तो उन्होंने बोला है लीफो मेथड लगाना है, और प्रोडक्शन हाउस ने जो सामान मांगा है वो है 500 यूनिट्स मांगी है, ठीक है। कितनी, 500 यूनिट्स। तो बोला है लीफो मेथड, यानी लास्ट इन, लास्ट में जो आया है, लास्ट में कौन सा आया, 2021 वाला सामान, तो
300 यूनिट्स तो हमने यहाँ से ले ली, ठीक है, 300 तो ले ली हमने 21 वाली, ठीक है, ये 2021 वाली, प्लस में 500 चाहिए तो 200 उससे ऊपर वाले उठाने हैं, उससे प्रीसीडिंग ईयर की उठानी है, उससे प्रीसीडिंग ईयर है 2020, उसमें है 200 यूनिट्स, तो ये 200 यूनिट्स यहाँ से उठा लो, 200 आ गई 2020 की, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से टोटल कर देंगे 300, अब 2021 में कोई स्टॉक नहीं बचा, 300 कट गया, 2020 में भी कोई स्टॉक नहीं बचा, अब हमारे पास जो बैलेंस में बचा है वो 2019 की 600 यूनिट्स और 2018 की 500 यूनिट्स बची हुई हैं, ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यह है लीफो मेथड, इसमें लास्ट इन जो लास्ट में आया है वो पहले इशू होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड मेथड बोलता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें डेट डूट नहीं देखनी है आपने, कोई लास्ट फर्स्ट नहीं देखना, इसमें सिर्फ ये देखना है कि जोन सा भी आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा प्राइस का कौन सा है। एग्जांपल में मैं समझा देती हूँ, 2018 का पड़ा है, 2019 का पड़ा है, 2020 का पड़ा है, ये जो है यूनिट्स ये आई हुई हैं 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ये आई है 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ये आई है 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ये आई है 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो हाईएस्ट इन जो सबसे ज़्यादा पैसे में आया हुआ सामान है वो पहले इशू होगा, तो सबसे ज़्यादा पैसे में कौन सा सामान आया है, 8 रुपये पर यूनिट वाला, तो 8 रुपये पर यूनिट वाली जितनी यूनिट पड़ी है पहले उसे इशू करो, फिर उसके बाद 6 रुपये पर यूनिट वाली जितने भी सामान पड़ा है, यूनिट्स पड़ी हैं वो उसे इशू करो, फिर 5 वाली को और फिर 4 वाली को, ठीक है। ये सब ये है इसके अंदर। आगे बेस स्टॉक मेथड, बेस स्टॉक मेथड एक जो स्टॉक को ना जितना बेस है उसको पहले बना के चलना है। अंडर दिस मैथड सर्टेन मिनिमम स्टॉक ऑफ मटीरियल एट अ स्पेसिफिक रेट इज ऑलवेज मेंटेन्ड, कि एक जो स्टॉक का एक मिनिमम स्टॉक का जो एक मटीरियल है वो हमेशा एक स्पेसिफिक रेट में बना के चलना है, एंड मूवमेंट ऑफ स्टॉक टेक प्लेस अबव दिस मिनिमम बेस स्टॉक, और इस मिनिमम बेस स्टॉक से जो स्टॉक की जो मूवमेंट होगी, ठीक है। दिस मैथड इज यूजफुल इन दूज इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटीरियल आर द बेसिक मटीरियल, ये मैथड वहाँ यूज होता है उस इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहाँ रॉ मटीरियल बेसिक मटीरियल होता है। एग्जाम्पल वेयर प्रोडक्शन प्रोसेस इज लॉन्गर ड्यूरेशन, जहाँ पर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या होगी, लॉन्गर ड्यूरेशन की होगी, लंबे टाइम पीरियड में वो प्रोसेस ख़त्म होगी, यानी रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स होगा ख़त्म, मतलब चेंज होगा, वो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे है फिफ्थ लास्ट, कौन से मेथड का जो भी अपना मेथड चल रहा है उसके फिफ्थ लास्ट है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन मटेरियल आर परचेज सेपरेटली फॉर स्पेसिफिक जॉब, अलग से कोई मेथड कोई जो मटेरियल परचेज किया जाएगा एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स या वर्क के लिए, एंड लेटर ऑन द मटेरियल इज इशूड फॉर द सम स्पेसिफिक जॉब, दस अंडर दिस इट इज इशूड एट इट्स एक्चुअल कॉस्ट, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उस पर इशू किया जाएगा। यानी जब कोई ऐसा काम हो रहा हो, स्पेसिफिक कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई स्पेसिफिक जॉब है, कोई स्पेसिफिक वर्क है, उसके लिए जब सामान इशू किया जाएगा तो वो एक्चुअल कॉस्ट पर इशू किया जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट जो मेथड था, क्या मेथड था, कॉस्ट प्राइस मेथड, वो हमारा ख़त्म हो गया है। कॉस्ट प्राइस मेथड में हमने कौन कौन से मेथड पढ़े, फर्स्ट पढ़ा फीफो मेथड, दूसरा पढ़ा लीफो मेथड, तीसरा पढ़ा हीफो मेथड, फिर बेस स्टॉक मेथड और फिर स्पेसिफिक प्राइस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो एग्ज़ाम टाइम में जरूर पूछा जाता है, लीफो फीफो हीफो। मैं आपको लीफो फीफो हीफो को एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये इस चैप्टर के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको जो आज का कंसेप्ट था वो समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।